दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फोन के बैटरी बैकअप को इंक्रीज कर सकते हो, यानी आप अपने फोन के बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हो। चाहे आप किसी भी कंपनी का फोन यूज करते हो, ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, सैमसंग, वन प्लस, दोस्तों आपने एक प्रॉब्लम जरूर फेस किया होगा बैटरी ड्रेन का। हम अपने फोन को यूज भी नहीं करते हैं, फोन को स्टैंड बाई मोड पर रख देते हैं, इसके बावजूद भी जब हम फोन को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि 30% 35% तक बैटरी ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे फोन में काफी सारे ऐसे फंक्शन ऑन होते हैं, ऐसे फीचर्स ऑन होते हैं जिसके वजह से ऑटोमेटिक हमारे फोन का बैटरी ड्रेन हो जाता है। हम कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, इस वजह से हमें फोन में बैटरी बैकअप नहीं मिलता है, हम अपने फोन को पूरा दिन यूज नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं, कुछ ऐसे सेटिंग्स बताने वाला हूं, कुछ ऐसे फीचर्स बताने वाला हूं जिनको आप अपने फोन में टर्न ऑन करके, ऑफ करके, ट्रिक्स को यूज करके आप अपने फोन के बैटरी बैकअप को बहुत ही आसानी से इंक्रीज कर सकते हो, बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम को आप हमेशा के लिए फिक्स कर सकते हो। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम अपने फोन में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके वजह से हमारे फोन की बैटरी काफी तेजी से ड्रेन होती है, काफी तेजी से खत्म हो जाती है। ओके दोस्तों, काफी सारे लोग कंट्रोल सेंटर में कुछ ऐसे फीचर्स ऑन करके रखते हैं जिसके वजह से उनके फोन की बैटरी ड्रेन होती रहती है, उनको पता नहीं चलता है। यहां पर आप देखोगे तो दोस्तों आपके फोन में GPS या लोकेशन ऑन होगा जिसकी वजह से बैटरी काफी तेजी से खत्म होता है, बहुत तेजी से बैटरी ड्रेन होता है। ओके अगर आप इस चीज को नोटिस नहीं करते हो तो दोस्तों आप एक बार कंट्रोल सेंटर को ओपन करके देखो, आपके फोन में GPS ब्लूटूथ हमेशा ऑन रहेगा। ठीक है, GPS क्या करता है कि हमारे लोकेशन को एक्सेस करता है जिस वजह से बैटरी काफी तेजी से खत्म होता है। तो आपको हमेशा लोकेशन को बंद करके ही रखना है, हमेशा लोकेशन को ऑन करके नहीं रखना है। क्योंकि दोस्तों जब भी आप कोई भी नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे या कोई काम करोगे तो दोस्तों लोकेशन ऑन करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, लोकेशन ऑन करने के लिए हमसे बोला जाता है और हम लोकेशन को ऑन कर देते हैं, फिर बाद में लोकेशन को ऑफ नहीं करते हैं जिसकी वजह से हमारे फोन की बैटरी ड्रेन होने लगती है, जल्दी खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर आप कहीं गए हो, गलती से लोकेशन ऑन हो चुका है तो दोस्तों आपके फोन की बैटरी ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। ठीक है, तो आपको लोकेशन को हमेशा ऑफ करके ही रखना है, जब जरूरत हो तभी आप लोकेशन और ब्लूटूथ को ऑन करो। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे लोग अपने फोन के ब्राइटनेस को ऑटो मोड पर करके रखते हैं। ठीक है, ऑटो मोड पर ब्राइटनेस को करके रखते हैं जिससे बैटरी काफी तेजी से ड्रेन होता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने फोन को ऑटो मोड पर सेट करके रखोगे, ठीक है, ब्राइटनेस को ऑटो मोड पर सेट करके रखोगे, मान लो कि आप बाहर फोन को यूज कर रहे हो, तो दोस्तों ऑटोमेटिक आपके फोन का जो ब्राइटनेस है वो अप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, अप हो जाएगा, डाउन होगा। ठीक है, इससे आपके फोन की बैटरी जल्दी खत्म होगी। तो दोस्तों आपको इसको हमेशा मैनुअल पर सेट करके रखना है, जितने ब्राइटनेस की जरूरत हो उतना ब्राइटनेस करके आपको अपने फोन को यूज करना है। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ और सेटिंग करना है, आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है स्कैनिंग। ठीक है, आपको यहां पर स्कैनिंग सर्च करना है, आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग, आपको इस पर टैप करना है। ठीक है, आपको इस पर टैप करना है। इसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो हमने ब्लूटूथ को ऑफ करके रखा है, बंद करके रखा है, लेकिन दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो बैकग्राउंड में वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों रन कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बैटरी काफी तेजी से खत्म होती है, तो आपको यहां से इन दोनों सेटिंग्स को बंद करके रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको बैक आना है, बैक आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैटरी। ठीक है, आपको यहां पर मिलेगा बैटरी, आपको बैटरी पर टैप करना है। ठीक है, बैटरी पर टैप करने के बाद आपको यहां पर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, सेटिंग्स मिलेंगे, आपको एक सेटिंग मिलेगा मोर बैटरी सेटिंग्स, आपको इस पर टैप करना है। अब दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्टिमाइज स्टैंड बाई। ठीक है, आपको इस पर टैप करना है। दोस्तों आपको यहां से स्टैंड बाई मोड का सेटिंग करना है। ठीक है, मान लो कि हम अपने फोन को यूज नहीं कर रहे और अपने फोन को स्टैंड बाई मोड पर इस तरह रख दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, काफी सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है कि वो स्टैंड बाई मोड पर अपने फोन को करके रखते हैं, इसके बावजूद भी 30% 40% बैटरी ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं।
ऑटोमेटिक बैटरी ड्रेन हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहां पर स्टैंड बाई का सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपको यहां पर तीन ऑप्शन मिलेंगे, अल्ट्रा स्टैंड बाई मोड, बैलेंस्ड मोड, ऑफ, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहां से अल्ट्रा स्टैंड बाई मोड को टिक कर देना है, ठीक है। मान लो कि आप अपने फोन को रात में यूज नहीं कर रहे, तो दोस्तों आपको यहां पर अल्ट्रा स्टैंड बाई मोड पर टिक करके रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप यहां पर पढ़ सकते हो व्हेन योर स्क्रीन इज ऑफ, ठीक है। आपका जो स्क्रीन है जब ऑफ रहेगा, स्टैंड बाई मोड पर रहेगा, सम बैकग्राउंड एप्स विल बी क्लोज्ड टू रिड्यूस बैटरी कंजप्शन। आपके फोन के बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन रन कर रहे होंगे, ठीक है, वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे और दोस्तों बैटरी कंजप्शन काफी कम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आपको यहां पर इस सेटिंग को हमेशा टिक करके रखना है, ठीक है। रात में अगर आप अपने फोन को स्टैंड बाई मोड पर करके रख दोगे, बैटरी आपका ड्रेन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, ऑप्टिमाइज्ड नाइट चार्जिंग, ठीक है। आपको यहां से इस सेटिंग को ऑन कर देना है। इसका फायदा यह है कि जब आप रात में अपने फोन को चार्ज पर लगाकर रखोगे, ठीक है, चार्ज पर लगाकर सो जाओगे, दोस्तों आपका जो फोन है बैटरी ओवरहीट कभी भी नहीं होगा, ठीक है। आपका फोन स्लो चार्ज होगा, ठीक है। अगर आप फास्ट चार्जर यूज करते हो दोस्तों, फास्ट चार्जर से भी आपका फोन स्लो चार्ज होगा, ठीक है, जिससे पूरी रात में आराम से आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा, बैटरी ओवरहीट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहां से इस सेटिंग को ऑन करके रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहां पर नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑटो स्क्रीन ऑफ, आपको इस पर टैप करना है। दोस्तों जो स्क्रीन का टाइम है, ठीक है, आपको इसको 30 सेकंड या एक मिनट करके रखना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप ज्यादा स्क्रीन टाइम सेट करके रखोगे, मान लो कि आपने अपने फोन को रखा है और आप सो रहे हो, ठीक है, उस टाइम अगर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी मैसेज आएगा, कॉल आएगा, तो दोस्तों स्क्रीन लाइट उतने टाइम तक जलती रहेगी, जिस वजह से बैटरी ऑटोमेटिक ड्रेन होता रहेगा, बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा इसको 30 सेकंड या एक मिनट पर सेट करके रखना है, ठीक है, उतने टाइम बाद ऑटोमेटिक आपके फोन की जो लाइट है वो बंद हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह आप इन सेटिंग्स को ऑन करके, इन ट्रिक्स को यूज करके, फीचर्स को यूज करके आप अपने फोन के बैटरी बैकअप को इंक्रीज कर सकते हो, बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम को आप हमेशा के लिए फिक्स कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप किसी भी कंपनी का फोन यूज करते हो, ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, सैमसंग, वन प्लस, सभी फोन के बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।